छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल किया है कि क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करने का नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाएंगे कि प्रदेश सरकार इतना कर्ज क्यों ले रही है, प्रदेश के अर्थतंत्र का सत्यानाश क्यों हो गया है। सिद्धू ने पंजाब को भारत का सबसे अधिक कर्जदार प्रदेश बताते हुए पंजाब की चन्नी सरकार पर जिस तरह निशाना साधा है, अच्छा होता ऐसा ही साहस मरकाम भी दिखाते। कौशिक ने कांग्रेस नेता सिद्धू के 3 ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महज 3 साल में अपने छोटे से कार्यकाल में ही 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। इसके एवज में 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का केवल ब्याज ही सरकार को चुकाना है। हालात ये है कि प्रदेश सरकार को अपनी हर योजना के लिए केंद्र से कर्ज लेना पड़ रहा है, जो प्रदेश सरकार की आर्थिक कुनीतियों का ही दुष्परिणाम है। अपने आर्थिक कुप्रबंधन का कालाध्याय रचने में मशगूल प्रदेश सरकार ने आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में कोई पहल नहीं की। जो कर्ज भूपेश सरकार ने लिया उसे भी वह ऐसी जगह इस्तेमाल नहीं कर पाई जिससे प्रदेश सरकार की आय बढ़े। कौशिक ने कहा कि कोई भी राज्य या देश कर्ज लेता है तो उसे राशि पूंजीगत व्यय में लगानी होती है, इससे 4 गुना पैसा वापस आता है, लेकिन प्रदेश सरकार कर्ज लेकर 1 टाइम एक्सपेंडिचर ही कर रही है, इससे प्रदेश की जीएसटी ग्रोथ प्रभावित हो गई है, वित्तीय घाटा दुगना हो गया है। आज छत्तीसगढ़ ऋण लेने की क्षमता को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंगलवार को रायपुर पहुंचे। वे खैरागढ़ रियासत के राजा और विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खैरागढ़ रवाना होने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अहम और अहंकार में डूबी है। जिस तरह से उनका अहंकार बढ़ता जा रहा है, उनका अंत निश्चित है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी कि वे इतिहास और भूगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना पढ़ें। दरअसल योगी ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को युद्ध में हराया था। इसके बाद भी इतिहासकार चंद्रगुप्त को महान ना बताकर सिकंदर को महान लिखते हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंत योगी आदित्यनाथ इतिहास और भूगोल कृपया मोदी जी से ना पढ़ें। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से केंद्रीय मंत्रियों के नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह अहंकार में डूबी हुई सरकार है। जब अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। खैरागढ़ के पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिग्विजय छत्तीसगढ़ आए थे। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों का पैसा रैलियों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने शिवराज के गोमूत्र और गोबर की योजना पर भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहाँ भूपेश बघेल का काम सराहनीय है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है। केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। JCCJ के प्रवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेसी गमछा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे, राम गोपाल अग्रवाल, प्रदीप चौबे भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। रायपुर के माना एयरपोर्ट से वह सीधे खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन पर दुख जताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसे मालूम था कि देवव्रत इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमने तो उन्हें बच्चे के रूप में देखा है। हमारे यहाँ तो रिश्ता भी था। हमारे छोटे भाई साहब का खैरागढ़ में ससुराल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट पड़ती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह देखने को मिली है। गुलाम नबी आजाद के करीबी कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया है कि पूर्व विधायकों और GM सरूरी, बिकार रसूलवानी, जुगल किशोर शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, नरेश गुप्ता, गुलाम नबी मोंगा, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट और अनवर भट्ट नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और AICC जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल को अपना इस्तीफा दे दिया है।
नेताओं ने कहा है कि पार्टी पुरानी नेताओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बगावत कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मंत्री बिकार रसुलवानी ने पुष्टि करते हुए कहा है कि हम 7 साल से नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यह अलग बात है कि शीर्ष कमान ऐसा नहीं कर रही है। सूत्रों ने संकेत दिया कि कई नेता नाखुश हैं। उनका कहना है कि मीर उनके बेटे के जिला विकास परिषद चुनाव हारने के बावजूद उन्हें पद पर रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इस तथ्य की कथित रूप से उपेक्षा करने के कारण भी नाराजगी है कि मीर के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। संयोग से गुलाम नबी आजाद 29 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को पार्टी में नेतृत्व की अनिश्चितता और पार्टी में उतार चढ़ाव को लेकर पत्र लिखा था। पत्र में कथित तौर पर कई सुझावों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य मुख्यालय में पूर्णकालिक नेतृत्व की आवश्यकता, कांग्रेस कार्य समिति और राज्य स्तर सहित सभी स्तरों पर चुनाव कराना, एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण का गठन और संस्थागत नेतृत्व तंत्र आदि मुद्दे शामिल थे। पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए ये किया गया था। इस साल फरवरी में पूर्व जम्मू कश्मीर सीएम को भी पीएम मोदी की प्रशंसा करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। 10 जनपद में उनकी हुई इस मुलाकात में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। सोनिया गांधी के अलावा सिंहदेव ने यहां कई दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात की है। गौरतलब है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां वे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलेंगे। सिंहदेव और सोनिया गांधी की मुलाकात करीब आधा घंटा तक चली। सोनिया गांधी और सिंहदेव की मुलाकात से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ शांत दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की दावेदारी के लिए मची रार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन खत्म नहीं हुई है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के फार्मूलों को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच राजनीतिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेसी नेता आपस में लड़ते हुए नजर आए थे। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बाबा और काका के बीच कोई समझौता के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो टीएस सिंहदेव यह कह रहे हैं कि भूपेश बघेल पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, और ना ही भूपेश बघेल यह कह रहे हैं कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। बघेल और सिंहदेव आलाकमान के आदेश को पालन करने की बात कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव कई बार कह चुके हैं कि 2.5 साल का मुद्दा पार्टी आलाकमान के पास सुरक्षित है और जल्द ही इसके ऊपर कोई फैसला आएगा। मामला हाईकमान के पास विचाराधीन है, उस पर फैसला उनका विशेषाधिकार है, प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी मुख्यमंत्री अचानक नहीं बदला, उसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। ये बड़ा फैसला था। सिंहदेव ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि हाईकमान जो भी फैसला लेता है वह कार्य रूप में आता है। सिंहदेव यह भी कहते हैं कि इन सब बातों का कोई समय सीमा नहीं होता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसके ऊपर कोई निर्णय होगा। टीएस सिंहदेव यह भी कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लेते हुए मैं कभी भी ग्वालियर वाले महाराज की तरह नहीं करूंगा। मतलब जब तक आलाकमान की तरफ से कोई साफ संकेत नहीं आएगा, ये वाद विवाद ऐसा ही चलता रहेगा और छत्तीसगढ़ के लोग के बीच बेचैनी रहेगी कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है,
या भूपेश बघेल ही उनके सीएम रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुछ मीडिया समूहों ने मुख्यमंत्री को बनाने की खबर चला दी थी। इन खबरों में यह भी कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने साफ तौर पर सीएम पद छोड़ने को आदेश दे दिया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल ने दिवाली तक का समय सोनिया गांधी से मांगा था। दिवाली भी चली गई। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम का बदलाव होता है या ऐसे ही गुटबाजी चलती रहेगी, क्योंकि बाबा और काका के बीच लड़ाई में नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। आम कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा का विषय है कि उनका सीएम बदलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में जंगल में पेड़ों के करीब उगने वाले खरपतवार को हटाने के लिए राज्य शासन ने इस साल राजनांदगांव और खैरागढ़ वन मंडल को करीब 10 करोड़ से अधिक की राशि जारी की थी। शासन ने साफ तौर पर कहा था कि खरपतवार के कारण पेड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है, इसलिए कैंपा मद से करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई थी। वन विभाग के अफसरों ने बिना किसी कार्य योजना के ही यह राशि कागजों में खर्च कर दी है। जानकार सूत्रों ने बताया कि राजनांदगांव वन मंडल के अधीन उत्तर मानपुर और दक्षिण मानपुर में सर्वाधिक गड़बड़ी की गई है। वहीं खैरागढ़ वन मंडल के अधीन आने वाले साल्हेवारा रेंज में अफसरों ने लेंटाना उन्मूलन के प्रोजेक्ट को ही ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि फर्जी हाजिरी और फर्जी बिल दायकों के जरिए रेंजरों ने जमकर वारा न्यारा कर दिया है। इस मामले में कुछ नेताओं की भूमिका भी सामने आ रही है। बताया जाता है कि रेंजरों के पास मिले इस फंड के बंदरबांट में कुछ नेताओं की भी हिस्सेदारी है। वन विभाग के कुछ अफसरों ने लेंटाना मद की राशि का उपयोग सिर्फ सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के आसपास किया है। शीर्ष अफसरों को दिखाने के लिए यह साजिश रची गई है। जिले के मोहला, मानपुर और चौकी, सल्हेवारा, गंडई आदि के इलाकों में सड़क से लगे जंगल के आसपास ही लेंटाना हटाया गया है। वहीं जंगल के भीतर यह राशि खर्च ही नहीं की गई है। राजनांदगांव और खैरागढ़ वन मंडल को लेंटाना उन्मूलन के लिए मिली राशि में गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद शासन स्तर पर भी इसकी शिकायत किए जाने की तैयारी है। बताया जाता है कि कैंपा मद से होने वाले कामों की जांच के लिए जबलपुर से एक टीम भी इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। शिकायतकर्ताओं द्वारा पूरे साक्ष के साथ शिकायत किए जाने की तैयारी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ संजय यादव का कहना है कि लेंटाना उन्मूलन के लिए राज्य के शासन द्वारा राज्य के मद से राशि दी गई थी। इसके तहत जंगल में खरपतवार को हटाया गया है। यदि किसी रेंज में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।